नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूजा गोरखपुरिया जी हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम पूजा गोरखपुरिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज। थैंक यू। तो क्या करते हैं अपने चैनल पे आप? मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है, जो कि मेरा दो चैनल है, एक ज्योति सरोज लाइव करके है और एक पूजा गोरखपुरिया करके है। तो अभी हाँ, तुम क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा बीकॉम फाइनल है, मैंने बीकॉम फाइनल करके मैं जॉब करती हूँ। तो बीकॉम फाइनल करके आपको अकाउंटेंट वगैरह बनना चाहिए था, सीए हुए की तैयारी करना चाहिए था, तो आप यूट्यूब पर क्यों आ गए? क्या रीजन है, क्या करना चाहते हैं यूट्यूब? मैंने जॉब लाइन में 6 साल से करीब कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, उसमें तो 15,000, 10,000, 8,000 सैलरी मिलती है, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया तो मैं सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। और YouTube में आने का मतलब ये है कि मैं सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाना चाह रही हूँ। नाम कमा के क्या करेंगे, उसके आगे कुछ सोच बनाए हैं? बस खाली नाम कमाना चाहते हैं? नहीं, मैं आगे सोच ये बना रही हूँ कि दुनिया के सामने मैं भी दिखाऊंगी, मैं भी एक लड़की हूँ और भी लड़कियाँ जो हैं उनको भी मतलब मेरे वजह से मतलब वो लोग प्रोत्साहित होंगी, ताकि मतलब उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, लड़कियाँ हैं तो क्या लड़कों से हम लोग कम है? अच्छा, आप लड़के लड़कियों का कंपटीशन? हाँ, मतलब हम लोग तो नहीं ऐसे, मतलब लड़के यूट्यूब पर ज़्यादा आ रहे थे, अब लड़कियां भी यूट्यूब पर जा। हाँ, क्यों नहीं लड़कियां। ये बताइए कि लगातार गोरखपुर में एक विवाद चल रहा है, गोरखपुरिया भौजी का और विष्णु राज का, इस विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा गोरखपुरिया क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो अश्लील वीडियो वगैरह डाल रहे हैं लोग, मतलब अभी काफ़ी गोरखपुरिया भौजी और मिस्टर विष्णु राज में अभी लड़ाई चल रही है, तो ये हम चाह रहे हैं कि लड़ाई भी बंद हो जाए। और जो अश्लील वगैरह वीडियो डाल रहे हैं लोग, इन वीडियो की वजह से और भी जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं उन वो देख के वो भी लोग सोच रहे हैं कि मैं भी डालूं, मैं भी वायरल हो जाऊं, और पब्लिक वही देख रही है, तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है, हम सोच रहे हैं बंद हो। आने वाले समय में हमारे जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अश्लील वीडियो से? बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो कि आगे वाला जनरेशन, तो ये सब बंद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, सबके लिए भी अच्छा रहेगा और सबके लिए भी अच्छा रहेगा। इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं पीजी न्यूज़ के चैनल पर, सभी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी ये सब अश्लील वीडियो वगैरह डाल रहे हैं लोग बना के, तो ये सब बंद कर दें और नॉर्मल वीडियो डालें। नॉर्मल वीडियो से भी लोग वायरल होते हैं और अच्छे अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं जो कि सिंपल वीडियो बनाते हैं, अच्छे से वीडियो बनाते हैं, अपने वॉइस का प्रयोग करते हैं अच्छा, तो उससे भी लोग वायरल होते हैं, तो ये सब चीज़ें चलें तो अच्छी होगी। क्या बात है। तो दोस्तों ये मेरे साथ थी पूजा गोरखपुरिया जी, ये भी ब्लॉगिंग करते हैं और इनके चैनल पर आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।